सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। वेल डेफिनेटली आप लोगों ने कभी ना कभी पोकेमोन को अटैक यूज करते हुए देखा होगा, बट क्या आप लोगों ने कभी किसी ह्यूमन को या फिर हम कहे ऐश को मूव यूज करते हुए देखा है? शायद नहीं देखा होगा, बट आज मैं आपको ऐसे 10 मूवमेंट्स बताने वाला हूँ जहाँ पे ऐश ने पोकेमोन मूव्स को यूज किया था। तो हाँ यार, डेफिनेटली वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होने वाली है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। तो हाँ, फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 9 से। नंबर 9 पे आता है बुलेट सीड। अब डेफिनेटली आप में से ज्यादातर लोगों को इस मूव के बारे में पता होगा। इसको ऐश का सेप्टल और रावलेट यूज करते थे और ये ग्रास टाइप अटैक है एंड अगर कोई पोकेमोन इसको यूज करता है तो उसके मुंह से काफी सारे सीड निकलते हैं जो कि सामने वाले पोकेमोन को डैमेज देता है एंड इसके नाम से आप लोग जान सकते हो कि ये बुलेट की तरह निकलती है। तो अब आते हैं ऐश पे। तो ऐश ने पोकेमोन एनिमे के अंदर इस मूव को एक नहीं बल्कि 2 बार यूज किया है। सबसे पहले वो इस मूव को यूज करता है व्हाट यू सीड इज व्हाट यू गेट नाम के एपिसोड में, जो कि होइन का एपिसोड था। इस एपिसोड में ऐश अपने ट्रिको को बुलेट सीड मूव यूज करना सिखा रहा था, जहाँ पे सबसे पहले ऐश एक वाटरमेलन खाता है एंड जो उसके अंदर के सीड्स होते हैं वो एक साथ थूक देता है एंड सच में ये मूवमेंट काफी फनी था एंड साथ में बिल्कुल बुलेट सीड अटैक की तरह लग रहा था। और एपिसोड के एंड में ऐश का ट्रिको बुलेट सीड यूज करना सीख भी जाता है। और दूसरी बार ऐश इस मूव का तब यूज करता है जब वो अपने राउलेट को बुलेट सीड यूज करना सिखा रहा होता है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि ऐश एक काफी अच्छा मूव ट्यूटर भी है। वेल इस बार ऐश वाटरमेलन को ना यूज करके बेरी को यूज करता है, बट उसका मेथड बिल्कुल सेम होता है। मतलब इस बार भी वो इसके अंदर के सीड्स को फायर कर देता है एंड ये और भी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, बट इस बार ऐश का राउलेट बुलेट सीड को यूज करना नहीं सीख पाता। और नंबर 8 स्ट्रेंथ। तो इसके आपको बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे जहां पे ऐश ने इस मूव का यूज किया था। अब बैटल्स के अंदर तो ये मूव सिर्फ और सिर्फ डैमेज देता है, बट अगर आप लोगों ने पोकेमोन गेम्स खेला है तो बैटल्स के बाहर आप इस मूव का यूज कर सकते हो किसी भी भारी चीज को हटाने के लिए। जैसे कि अगर आपके रास्ते में कोई बोल्डर आ जाता है तो आपका पोकेमोन स्ट्रेंथ का यूज करके उसको हटा सकता है। और आप कह सकते हो कि ऐश ने इसका भी काफी बार यूज किया। उसने एक हिप्पोपोटास को भी उठा लिया था जो कि 50 kg का होता है एंड फिर उसने अपने पिगनाइट को भी उठाया था जो कि 55 kg का होता है एंड इवन लार बिटार को भी उठा रखा है जो कि 72 kg का होता है। और अगर इतना ही काफी नहीं है तो उसने अलोला में अब तक के हैवीएस्ट पोकेमोन का भी उठाया था जो कि था कॉस्मियोम, जिसका वेट ऑलमोस्ट 1000 kg होता है। और ये तो रही सिर्फ और सिर्फ पोकेमोन की बात, ऐश ने होइन में एक पूरे के पूरे ट्रंक को उठा के फेंक दिया था और वो ट्रंक छोटा भी नहीं था, आप उसकी साइज देख सकते हो जो कि इतनी ज्यादा बड़ी थी। बट गलार में ऐश और गो दोनों ने मिलकर एक ट्रंक को उठाने की कोशिश की थी बट वो नहीं उठा पाए थे। तो हायर इस मूव का भी यही काम होता है कि वो एक पोकेमोन को ताकत दे देता है जिस वजह से वो काफी हैवी चीजों को उठा सकता है। नंबर 7 पे आता है ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म अटैक को सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोकेमोन लर्न कर सकते हैं जो कि है म्यू और डिटो। और ये मूव काफी सिंपल है। इस मूव को यूज करने के बाद कोई भी पोकेमोन किसी भी पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है या फिर बदल सकता है, यानी कि उसकी कॉपी कर सकता है एंड ऐश ने भी इस मूव को एक बार यूज किया था। और ऐश ने इसको खुद से यूज नहीं किया था बल्कि किसी और ने ऐश के ऊपर ये किया था। तो ऐसा होता है होकस पोकेमोन नाम के एपिसोड में, जहां पे एक लड़की होती है जो कि ऐश के ऊपर मैजिक कर देती है और इस मैजिक की वजह से ऐश जिस भी चीज के बारे में सोच रहा होता है उसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उस वक्त वो अपने पिकाचू के बारे में सोच रहा था तो वो पिकाचू में ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बट ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी उसका जो फेस का स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल ऐश के तरह ही था और पूरी बॉडी पिकाचू की थी। और इसको देखने के बाद फैंस ने इसको एक नाम भी दिया था जो कि था ऐशचू। और नंबर 6 क्विक अटैक टैकल या फिर स्कल बैश। अब ये तीनों ही मूव काफी बेसिक होते हैं, मतलब ये ह्यूमंस भी यूज कर सकते हैं और ऐश ने भी इसका काफी बार यूज किया। सबसे पहले तो कैलोस में उसने एक जेल को तोड़ने के लिए यूज किया था इसको और लिटरली इसको यूज करने के बाद वो जेल को तोड़ भी देता है। और इसका यूज वो अगेन अलोला में करता है जहां पे वो फाबा के ऊपर इसको यूज करता है। और जब ऐश इसको यूज करता है तो उसके बाद फाबा पीछे जाके गिर जाता है, मतलब पोकेमोन का टैकल भी इतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना ऐश का था। तो हाँ यार, इसीलिए ये मूव नंबर 6 पे जगह बनाता है। अब नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पे आता है मेगा पंच। मेगा पंच एक नॉर्मल टाइप का डैमेज डीलिंग मूव है और सिंपली एक पोकेमोन इसको यूज करने के बाद सामने वाले पोकेमोन पे एक पंच मारता है। तो हाँ, ये भी एक काफी सिंपल सा मूव है एंड ऐश ने भी इसको एक बार यूज किया था और वो किसी और पे नहीं था बल्कि पोकेमोन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन म्यूटू पे था, जहाँ पे पोकेमोन की सबसे पहली मूवी यानी कि म्यूटू स्ट्राइक बैक में ऐश म्यूटू को रोकने के लिए उसके ऊपर एक पंच मारता है, जो कि काफी वियर्ड भी था क्योंकि ऐश को पता है कि इसका असर बिल्कुल भी नहीं होने वाला म्यूटू पे। और आगे जाके ऐसा होता भी है, मेगा पंच का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता म्यूटू पे, उल्टा म्यूटू अपने साइकिक पावर का यूज करके ऐश को दूर फेंक देता है। और एक बार ऐश ने इसको पिकाचू के ऊपर भी यूज किया था जो कि आप लोग देख सकते हो।
तो आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश के गलार टीम में ऐसा कौन सा पॉकीमोन है जो कि जायगंटामैक्स या फिर जीमैक्स हो सकता है। और नंबर 4 पे आता है टेलीकिनेसिस, जो कि ऐश तब यूज करता है जब वो मार्स बैच के लिए सबरीना को चैलेंज करने जाता है और वहां पे ऐश देखता है कि काफी सारे लोग अपने टेलीकिनेसिस पावर का यूज करके चम्मच को मोड़ देते हैं। और तभी वहां पे ऐश के पास एक बंदा आता है जो कि ऐश को बोलता है कि तुम साइकिक टाइप पॉकीमोन को कंट्रोल नहीं कर सकते अगर तुम्हारे पास टेलीकिनेसिस पावर नहीं है। और तब यार ऐश अपने पावर का यूज करके उस चम्मच को बैंड कर देता है और बोलता है कि मेरे पास अपनी खुद की टेलीकिनेसिस पावर है। ऑफ कोर्स यार ये कोई एक्चुअल टेलीकिनेसिस मूव नहीं था, बट फिर भी हम इसको एक मूव के तरह कंसीडर कर सकते हैं। और नंबर 3 बाउंस, तो बाउंस एक फ्लाइंग टाइप का डैमेज डीलिंग मूव है जो कि हमें जनरेशन 3 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और जब भी कोई पॉकीमोन इसका यूज करता है तो वो हवा में जंप कर देता है या फिर बाउंस हो जाता है इसके नाम के तरह, और फिर अगले टर्न में वो अपोनेंट पे ड्रॉप होकर उसके ऊपर अटैक कर देता है एंड इससे अपोनेंट पैरालाइज भी हो सकता है। तो इसको काफी सारे पॉकीमोन यूज कर सकते हैं एंड उनमें से एक ऐश भी है, और ऐश ने ये एक बार नहीं बल्कि काफी बार किया है। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमें होइन रीजन के एक एपिसोड में देखने को मिलता है जहां पे लिटरली यार ऐश जंप करके टीम रॉकेट के बलून कूद जाता है जो कि लिटरली आसमान में उड़ रहा था एंड ऐश जंप करके वहां पे पहुंच गया, यानी कि उनके बलून में कूद गया। और नंबर 2 पे आता है रिकवर। रिकवर एक नॉर्मल टाइप मूव है और ये एक जनरेशन 1 का मूव है, इसको भी काफी सारे पॉकीमोन लर्न कर सकते हैं। और इसका यूज करने के बाद अपोनेंट को तो कोई डैमेज नहीं होता बल्कि हमारे पॉकीमोन की एचपी बढ़ जाती है या फिर हील हो जाती है एंड इसी वजह से ये काफी अच्छा मूव है। और इस मूव को ऐश पॉकीमोन एनीमे के अंदर तो यूज करता ही रहता है, जैसे कि जब ऐश का कोई भी पॉकीमोन उसके ऊपर अटैक कर देता है, फॉर एग्जांपल ऐश के चार्जर्ड का फ्लेम थ्रोअर या फिर ऐश के पिकाचू का थंडर बोल्ट, तो उसके बाद ऐश को थोड़ा फर्क पड़ता है बट कुछ ही सेकंड बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और बस ये नहीं, इससे भी स्पेशल चीज ये है कि ऐश फेंट होने के बाद भी इस मूव को यूज कर सकता है, जो कि यार कोई पॉकीमोन यूज नहीं कर सकता। तो आपको पता होगा ऐश कितने बार पॉकीमोन एनीमे के अंदर मर चुका है, बट उसकी डेथ होने के बाद भी वो रिकवर हो जाता है एंड अपने आप वापस आ जाता है, जो कि अपने आप में काफी स्पेशल है एंड हम इसको रिकवर मूव कह सकते हैं। और फाइनली नंबर 1 फ्लेम थ्रोवर। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इस मूव को एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्योंकि ये मूव हमारे वन ऑफ द फेवरेट पॉकीमोन यानी कि चार्जर्ड का मूव था। तो हाँ यार ऐश फ्लेम थ्रोवर को भी यूज कर सकता है एंड सिर्फ और सिर्फ ऐश नहीं, और भी काफी सारे कैरेक्टर ने इसको यूज किया है, जैसे कि ब्रॉक, जेसी, मे और यहाँ तक कि वाटर टाइप पॉकीमोन स्कॉटल ने भी इसको यूज किया था। मतलब एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि ये पॉकीमोन कैरेक्टर्स का फेवरेट मूव है। वेल ऐश की बात करें तो ऐश ने पॉकीमोन एनीमे के अंदर इसको 2 बार यूज किया है। सबसे पहले पैलेट पार्टी पैनिक नाम के एपिसोड में, जब ऐश टॉप 16 में आया होता है इंडिगो लीग में, तो पैलेट टाउन में एक पार्टी होती है और उसी पार्टी में ऐश किसी चीज को खाता है जो कि बहुत ज्यादा तीखा होता है, और इसी को खाने के बाद ऐश के मुंह से आग निकलने लगती है जो कि बिल्कुल फ्रेम थ्रोअर मूव के तरह लग रहा था। और दूसरी बार ऐश ने इस मूव का कैलोस में यूज किया था जहां पे उसने मियाट का बनाया हुआ पॉकी पफ खा लिया था, और बिल्कुल पिछले सीन के तरह इस पॉकी पफ को खाने के बाद ऐश के मुंह से आग निकलने लगती है जो कि यार चार्जर्ड के फ्लेम थ्रोअर से भी ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी। और इसके बाद मियाट ऐश को बताती है कि ये पॉकी पफ फायर टाइप पॉकीमोन के लिए थे, ना कि किसी ह्यूमन के लिए। तो हाँ ये थे कुछ ऐसे मूव जो कि ऐश ने परफॉर्म किए थे या फिर ऐश ने यूज किए थे। तो एट लास्ट आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। तो मिलेंगे ऐसे ऑसम कंटेंट के साथ, अंटिल देन पीस आउट।